सो हाई गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं चार्ट टेक्स यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम करने वाले एक काफ़ी अच्छे सीपीयू कूलर का रिव्यू, क्योंकि सीपीयू कूलर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पीसी के अंदर। क्योंकि अगर आपका सीपीयू कूलर ही अच्छा नहीं होगा तो आपका पीसी में लगेगा प्रोसेसर मेल्टडाउन, जिससे उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। तो आज के वीडियो में जो हमने सीपीयू कूलर लिया है वो है थर्मलटेक की तरफ से आने वाला UX100 ARGB सीपीयू फैन, जो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा का फ़ैन है। ये काफ़ी सस्ते प्राइस पर आता है, मान लो आपको 1000 रुपीज़ का आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा, और सेल के टाइम पर और सस्ता भी मिल जाता है। तो देख लेते हैं इसके क्या प्रोस है और क्या कॉन्स है। तो चलिए शुरू कर देते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रोडक्ट के नाम से शुरू कर लेते हैं। इसका जो नाम है वो है थर्मलटेक UX100, जो एक एयर कूलर है प्रोसेसर के लिए। तो ये आपको 1000 रुपये का अमेज़ॉन पे मिल जाएगा डील्स में, और वैसे इसका नॉर्मल प्राइस 1200 के आसपास चलता है। और ये बहुत इंटेल एंड AMD को सपोर्ट करता है, और बाकी सारे सॉकेट्स हैं उनको सपोर्ट करता है। बट आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप सर्वर बेस्ड PC पे लगाओगे तो उस पर ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं उनके प्रोसेसर्स, और उनके लिए बना ही नहीं है तो उन पर लग ही नहीं पाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि आप सर्वर पे इस प्रोसेसर पे से नहीं लगा सकते, बाकी नॉर्मल किसी भी ATX मदरबोर्ड पे लग जाएगा। इसमें आपको 15 ARGB LEDs मिलती है फ़ैन के ऊपर की साइड, जो आपको 16.8 मिलियन कलर्स प्रोड्यूस करके देती है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और ये एक ARGB फ़ैन है, तो आप इसकी LED कंट्रोल भी कर सकते हो। आप इसमें एक्स्ट्रा 2 पिन्स दिए गए हैं, जिससे आप इनको सिंक कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू, और चाहो तो अपने मदरबोर्ड के साथ भी इसके सिंक कर सकते हो। तो अगर इसकी कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ये सारे ATX मदरबोर्ड्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि ASRock, Gigabyte, MSI और ASUS। बाकी मैंने और किसी में चेक किया नहीं, तो ये मुझे कंफर्म नहीं पता Xeronix वगैरह पे लग जाएगा। बट हाँ, अगर आपका नॉर्मल सा मदरबोर्ड है, थोड़ा बड़ा साइज़ का है, तो लग जाएगा। क्योंकि इसमें क्या इशू आता है कुछ मदरबोर्ड में, कि जो इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, इसका सरफेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इसे फिट करते हो अपने प्रोसेसर के ऊपर, तो ये कभी कभार आपके कुछ रैम स्लॉट्स से अटकने लगता है, आपके रैम इसके साथ क्लैश करेगी, जिससे ये थोड़ा सा उठा रहे और आपके प्रोसेसर को अच्छे से कूल नहीं कर पाएगा। मेरी मानता आप इस पर पहले चेक कर लो, तभी इसे बाय करना। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो स्पेसिफिकेशंस के लिए मैं बता दूं, इसका जो फैन साइज़ है वो है 120 mm, जो 12 वोल्ट पे चलता है। आपको इसकी RGB जलाने के लिए कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं चाहिए, सिंपली बस अपने मदरबोर्ड के जो फैन सॉकेट होता है CPU वाला, उसमें लगा देना और इसकी RGB ग्लो होने लगेगी। और इसका जो फैन का RPM है वो है 1800 RPM, वो आपको थोड़ा सा कम लगेगा स्टॉक फैन से, क्योंकि जो फैन का साइज़ वो काफी बड़ा है, तो आराम से ठंडक कर देगा। और इसका जो हीट सिंक का मटेरियल वो है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम एक ठीक ठाक सा मटेरियल है, आपका आराम से अच्छा कूल देगा। और इसका जो वेट है वो है 408 ग्राम्स, मानो 1/2 kg के बराबर भी नहीं है। और लुक्स तो इसके काफ़ी अच्छी हैं, तो देख लेते हैं कैसे परफॉर्म करता है बेंचमार्किंग में। सो गाइस, अब बेंचमार्किंग के लिए जो मैंने इसमें प्रोसेसर यूज़ करा है वो है राइजन 5 3500। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर और बजट सेगमेंट में बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो मैंने सोचा इसी को यूज़ किया जाए, क्योंकि ये जो प्रोसेसर का फ़ैन है ये बजट सेगमेंट का ही है। 15 मिनट्स आइडल छोड़ने के बाद जो स्टॉक कूलर पे जो टेम्परेचर हमारा आया हुआ 33 डिग्री सेल्सियस, और वहीं अगर हम थर्मल टेक पे 15 मिनट्स छोड़ने के बाद मेरे को 32 डिग्री सेल्सियस मिला है। अभी कह सकते हैं मैंने पहले AMD के बॉक्स कूलर पे छोड़ा था, उसके बाद थर्मल टेक पे, तो हो सकता है थोड़ा और गिर गया टेम्परेचर। अब बात कर लेंगे गेमिंग की, तो गेमिंग के लिए मैंने चलाया इसमें CS:GO, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा CPU डिमांडिंग गेम है, और मुझे इसमें ऐसे ही गेम रन करना था जो बहुत ज़्यादा CPU की कंजप्शन ले। तो स्टॉक पे मिले मुझे 63 डिग्री सेल्सियस स्टॉक फैन पे, और थर्मल टेक के UX100 पे मुझे वही मिले 63 डिग्री सेल्सियस। तो ये कह सकते हैं ये ह्यूमन एरर भी हो सकता है, ज़्यादा फ़र्क आया नहीं है, बिल्कुल सेम है। बट जहाँ मैंने मैक्स टेम्परेचर कर लिया, कि मैंने इसमें चलाया Cinebench R15, तो वहाँ पर इसका चला 71 डिग्री सेल्सियस थर्मल टेक पे। तो आप देख सकते हैं थर्मल टेक थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहीं अगर आप स्टॉक फैन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा 73 डिग्री सेल्सियस, जो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो गाइस, इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए यह दिखता है कि अगर इसके लुक्स को आप हटा दो एक तरफ, और इसकी बेंचमार्किंग को हम अगर कैलकुलेट करें, तो ये बिल्कुल ही बराबर परफॉर्म करता है AMD के स्टॉक कूलर के, जो राइजन 3 और राइजन 5 के साथ आता है। राइजन 7 वाला नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छा कूलर है, वो बहुत अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो अगर आप पे एक अच्छा सा नॉर्मल सा प्रोसेसर है राइजन का 3 या राइजन का 5, तो आप इसे ले सकते हो आराम से, आप इसे बाय कर लो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट अगर आप पे कोई राइजन 7 या राइजन 9 प्रोसेसर है, तो आप इसे बिल्कुल मत बाय करना, आपका टेम्परेचर और ज़्यादा हाई होने लगेगा, क्योंकि ये प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं बना है। उसके लिए आप
प्रॉपर लिक्विड कूल्ड AIO बाय करो, जो बहुत सही रहेगा। मैं बेस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जो सबसे अच्छा AIO मुझे लगता है। वहीं बात कर लेते हैं अगर इंटेल के प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे तो अगर आप पर i3 या i5 या i7 तक भी है तो आप उसके स्टॉक फैन को चेंज कर दो। स्टॉक फैन में कोई ताकत नहीं होती है, बहुत ही बेकार फैन होता है ये। उससे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा और उससे लुक तो कम से कम आपको बहुत ही अच्छा दे देगा, उससे लुक भी आपको काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करेगा। तो मेरी माना तो इंटेल वालों के लिए तो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, आप बाय कर सकते हो। अगर AMD भी आपको बाय करना है सिर्फ लुक्स के लिए तो आप कर सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप पे इंटेल का ओरिजिनल स्टॉक फैन लगा हुआ है तो आपके लुक्स भी अच्छे हो जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर चैनल को और घंटी के आइकन को जरूर दबाना, वरना मेरी लेटेस्ट वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। और किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है या मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है। तब तक के लिए बाय गाइस। You're a superhero.